जाएंगे ना? Of course जाएंगे. आप, मैं और मामा पिकनिक पे जाएंगे. पास आपके लिए एक सरप्राइज है, बताऊं? हम तीनों एक लंबे हॉलिडे पे जा रहे हैं और वो हॉलिडे कभी खत्म ही नहीं होगा क्योंकि उस हॉलिडे से हम कभी वापस ही नहीं आएंगे. ये डोमेस्टिक वायलेंस का साइन है. क्या? अर्थात घरेलू हिंसा? Yes. Hashtag said. Are you sure कि thumb folded था? हाँ, 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 उसे thumb fold किया था. वो help मांग रही थी. Against domestic violence. Shit. कोयल ने बताया था कि अभय उसे torture करता है, उसे मारता है. मतलब अभी भी कुछ नहीं बदला. You all know कि उसे हेल्प की जरूरत है. What's the point इसकी? वो बता क्यों नहीं रही है? वो क्यों नहीं हमें हेल्प करने देना चाह रही है? वो हमसे बात क्यों नहीं कर रही है? जरूर उसकी कोई मजबूरी होगी. इस सब गड़बड़ सुमन जी की वजह से हुई है. ना सुमन निकल की फोटो इंटरनेट पे डालती, ना कोयल पकड़ी जाती, ना जो दिक्कत में होती. सुमन जी इस एकेडमी में आई थी कि लोगों की मदद कर सके, लेकिन सुमन जी ने क्या किया? कोयल की जिंदगी बर्बाद कर दी अपनी घटिया सोच की वजह से. एक औरत की, एक माँ की जिंदगी बर्बाद कर दी सुमन जी ने. सुमन जी, गलती हर किसी से होती है, लेकिन ये वक्त गिल्ट पर रोने का नहीं. दिस इज टाइम फॉर एक्शन. मैंने कोयल को जो फोन भिजवाया था ना, उस पे कॉल करके देखते हैं. क्या पता वो फोन उठा ले, हमसे बात कर ले. I think it's a bad idea. But why? वो मॉन्स्टर उसके साथ हुआ तो फोन छीन लेगा. तो फिर एक कार्य करते हैं, कल दोपहर 12 बजे तक उसके फोन की प्रतीक्षा करते हैं. यदि उसने तब तक हमसे संपर्क नहीं किया तो जान धमकेंगे उसके निवास स्थान पर. That's a better idea. मोनू, तुझे उसका घर पता है ना, तू ले चलो मैं वहां कल. समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं. कारण को ये प्लान बताया तो वो हमें अलाउ नहीं करेगा, और हमने कुछ नहीं किया तो कोयल के लिए डेंजर बढ़ता जाएगा. उसे कुछ हो गया तो व्हाट टू डू? ऐसे कैसे पॉसिबल नहीं है? तुम्हें रात से बोल के रखा है ना मैंने, आई वॉन्ट द वीजा एंड वॉन्टेड नाउ. आई जस्ट डोंट केयर, करा के दो बस. मैंने मेल कर दिया सब कुछ, जस्ट चेक अगेन. इडियट. हम तीनों एक लंबे हॉलिडे पे जा रहे हैं और वो हॉलिडे कभी खत्म ही नहीं होगा क्योंकि उस हॉलिडे से हम कभी वापस ही नहीं आएंगे.
भी तो एक माँ हैं। आप जानते हैं कि एक माँ अपने बच्चे से दूर नहीं रह सकती। अभय निखिल को मुझसे दूर करने की धमकी देकर मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। मेरे बच्चे को इस्तेमाल करके मुझे कैप्चर करके रखा हुआ है। अगर आज वो हमें लंदन ले जाने में कामयाब रहा तो मैं अपने बच्चे को लेकर कभी उससे दूर नहीं जा पाऊंगी। I'll be stuck here for life. Please, माँ, मुझे कोई रास्ता दिखाई। Please. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.